पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पढ़ना न चाहिए भाई, इसका पढ़ना न चाहिए। इसलिए अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो कितना और तेजी से केंद्र का पैसा जो मिलता तो और ज्यादा ना मिलता जी। और नहीं तो आजकल केंद्र में कोई योजना बनाते हैं तो क्या कराते हैं, प्रचार खूब होता है लेकिन देते हैं सेंट परसेंट। अभी देर करेंगे तो हम तो अभी मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें। के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। नमस्कार। तो आने वाले एक दो दिनों के बाद दिल्ली में नए चुने हुए सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। दिल्ली के संसद भवन में नए चुने हुए सांसद शपथ लेंगे और उसके साथ ही इस बात की कवायद शुरू हो जाएगी कि लोकसभा का अंतरिम अध्यक्ष कौन होगा और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया के बीच में अब नई कवायद देश में नई सरकार को चलाने की, नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ नई प्रक्रिया हर तरह से शुरू करने की होगी। लेकिन उसके बीच में एक खेल, एक पेच, एक समीकरण, एक परिस्थिति ऐसी बन रही है जो इस सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करती दिख रही होगी। और उन मुश्किलों में एक नहीं कई मुश्किलें हैं। एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, इस देश का कोई भी सामान्य नागरिक जो शिक्षा की अहमियत समझता है, जो ये समझता है कि उसके बेटे या बेटी को कोई अच्छी नौकरी मिले तो वो उसे सब कुछ अपना कुर्बान करके पढ़ाएगा और परीक्षा के लिए जब वो तैयार हो और पेपर लीक हो जाए तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। सरकार की साख मिट्टी में मिलती है और वो भी तब जब नई नए मंत्री बने व्यक्ति एक दिन कहें कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, इसका सबूत नहीं है, और चंद घंटों बाद माफी मांगे कि हाँ हमसे थोड़ी चूक हो गई है, परीक्षा रद्द की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है। ऐसे वक्त में सरकार चलाना आसान नहीं है। परिस्थितियां तो अपनी बनेंगी लेकिन उसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं जो एक तरफ से सहारा देकर के कुर्सी का एक पाया बने हुए हैं, उनकी तरफ से भी मुश्किलें आएंगी। एक पाया लोकतंत्र का विपक्ष है जो अब इतना ताकतवर है कि लगभग 240 सांसद विपक्ष में खड़े होंगे और 240 सांसदों को सदन से बाहर फिकवा करके मुश्किल होगा सदन चलाना या यह सारी प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो हम अभी बात करेंगे, एक दूसरी चुनौती की बात करने जा रहे हैं और वो चुनौती बिहार से आ रही है, नीतीश कुमार की तरफ से आने वाली। और आने वाले चंद दिनों के भीतर इस चुनौती का असर आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो चुनौती कैसी है? एक तरफ तो जब मंत्रिमंडल बटा तो नीतीश कुमार रेल मंत्रालय नहीं पाए, पैर का नाप, हाथ का नाप नीतीश कुमार ले रहे थे लेकिन वो नीतीश कुमार मंत्रालय मनपसंद नहीं पाए हैं और ये एक मुश्किल उनके पूरे समीकरण को एक चुनौती पेश करती दिख रही है। जो नीतीश कुमार पिछले कई बार केंद्र में जब भी शामिल हुए तो वो रेल मंत्री बने थे और वो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री बने तो उन पूरी परिस्थितियों के बीच में एक बात जो कहने और सुनने समझने की, वो बात ये है कि नीतीश कुमार मुश्किल पैदा कर सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार भी मुश्किल में फंसे हुए दिख रहे हैं। और ये मुश्किल कौन सी है जो नीतीश कुमार फंसे हो सकते हैं, वो मुश्किल कौन सी है जो नीतीश कुमार सरकार के सामने पैदा कर सकते हैं, और तीसरी बात कि परिस्थितियों ने कौन सी ऐसी मुश्किल पैदा कर दी है जिसने नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरे में ले लिया है। और नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार से नाखुश बताए जा रहे हैं।
जेडीयू के सांसदों के भीतर एक बेचैनी है कि अगर हम इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, परिस्थिति में हैं कि केंद्र की सरकार को हम एक सहारा दिए हुए हैं, तो हमें इतना कमजोर न समझा जाए। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो इमारत बनी उसमें नीतीश कुमार ने यूं ही नहीं यूपीए की चीजों को याद किया कि ये पिछले करीब एक डेढ़ दशक पुराना प्रयासों का एक प्रतिफल है जो नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी करने आए, और उसमें उन्होंने यूपीए के मनमोहन सिंह सरकार को याद किया, बिहार की पुरानी सरकारों को याद किया। तो वो संकेत बहुत है, वो संकेत अब आगे बढ़ेंगे और ये कहेंगे कि आपने कौन सा मंत्री पद दिया, और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी मुश्किल पैदा होती जाएगी। अब वो मुश्किल कौन सी है जो नीतीश कुमार के ऊपर पड़ रही है? बिहार के गलियारों में एक चर्चा है कि कुछ सृजन ऐसा हुआ है जिसमें कोई कमजोर नस बन गई थी, और उस सृजन की कमजोर नस दिल्ली में बैठे बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के हाथ लग गई है, जिसको बीच बीच में वो हल्का सा दबा के टेस्ट करते रहते हैं। दूसरी सुगबुगाहट बिहार से लेकर के दिल्ली के बीच ये सुनाई दे रही है कि कुछ लड़कियों के सुधार गृह के नाम पर बिहार में पिछले दिनों एक बड़ा विभत्स, बड़ा दिक्कत, बड़ा मुश्किल वाला, बड़ा अमानवीय कुछ तो हुआ था, और उसके कुछ सूत्र, उसकी आंच, उसकी तपिश नीतीश जी तक पहुंचती दिख रही है। सुगबुगाहट सुनाई देती है कि वह तपिश, वह आंच नीतीश जी तक महसूस होती है, इसलिए वो अब कुछ नहीं करने वाले। 5 साल चुपचाप जो मिल जाए वही खा लो, जहां मिल जाए वही रह लो, जैसे मिल जाए वैसे रह लो, इस परिस्थिति में जाकर सरकार को समर्थन देते रहेंगे, और ऐसे में नीतीश कुमार मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी मुश्किल में है, केंद्र की सरकार भी मुश्किल में है, लेकिन उसी बीच एक तीसरी परिस्थिति हाई कोर्ट पटना ने पैदा कर दी है, और वो परिस्थिति क्या है? जो नीतीश कुमार अपने समाजवादी विरासत का सबसे बड़ा मूल्य, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कदम उठाए थे बिहार में जातिवार जनगणना करा करके, उनके बयानों को याद करिए, उनके बयानों को खोजिए, जो लगातार कहते थे कि जातिवार जनगणना इस देश की जरूरत है, जातिवार जनगणना से सबको सबके हिस्से का हक मिलेगा, और लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके उन्होंने जातिवार जनगणना कराई, और न केवल कराई बल्कि उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए। और जब उन्होंने उसके आंकड़े सार्वजनिक करके चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार को बुरी तरह से घेरने का काम किया, आरक्षण की सीमा को इंक्लूडिंग EWS 75% बढ़ा दिया, और एक मांग कर दी कि इस आरक्षण की प्रक्रिया को नवी अनुसूची में डाला जाए। नवी अनुसूची में डाले जाने का अर्थ समझते हैं आप? संविधान की नवी अनुसूची वह होती है जिसमें कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे कमजोर नहीं किया जा सकता, जिसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, संरक्षित हो जाएगी वो, जैसे आदिवासी समाज के या और तमाम वंचित शोषित तबके के कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें नवी अनुसूची में डाल करके संरक्षित कर दिया गया है कि उसमें अब छेड़खानी न की जा सके। कहां गए वो नीतीश कुमार जो ये मांग मीडिया के सामने करते रहे हैं कि जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो उनके हिस्से का हक है वो देने का जो प्रावधान हमने किया है उसे नवी अनुसूची में डाला जाए।
कोर्ट ने रोक लगा दी और कोर्ट की रोक लगाने के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अगर बिहार सरकार इस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो बिहार में तेजस्वी यादव ने यह घोषणा और ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी को लेकर के कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी को मिलने वाला उनका हक उसे किसी को छीनने नहीं देंगे और उसके लिए राजनीतिक सामाजिक आंदोलन खड़ा कर देंगे। और इसका दबाव नीतीश कुमार के ऊपर रहेगा क्योंकि ये नीतीश कुमार पहले भी इस बात को सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि जातिवार जनगणना उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक और सांस्कृतिक राजनीतिक कदम है। लेकिन अब नीतीश कुमार जिनके साथ हैं वो लोग जातिवार जनगणना का क्रेडिट लेने बिहार बेशक जाएं, लेकिन वो अपने देश अपने अपने शासन काल में जातिवार जनगणना नहीं कराते। और इसलिए यह मुश्किल पैदा होती दिख रही है पूरे समीकरणों में पटना से लेकर के दिल्ली के बीच में। और अब पटना से दिल्ली के बीच में कई ट्रेनें चलती तो हैं, कई हवाई जहाज उड़ते तो हैं, लेकिन राजनीति ट्रेन और हवाई जहाज से ही नहीं होती। कई बार वो सड़कों गली कूचे कस्बों से भी गुजरती है, उसपे ब्रेकर पड़ते हैं, उसका रूट बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। कब पटना से चला कोई व्यक्ति दिल्ली पहुंचकर खलबली मचा दे और कब दिल्ली से निकल के कोई पटना तक जाते जाते बीच में पूरा खेल बदल दे, अब परिस्थितियां उस दिशा में बनती दिख रही हैं। सदन चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाएगा, डबल इंजन की सरकार होने पर विशेष राज्य का दर्जा बिहार की तरफ से सुनाई देने वाला सबसे तेज नारा होगा। बिहार की तरफ से जातिवार जनगणना को नवी अनुसूची में डालने, सुप्रीम कोर्ट तक जाने और पूरी ईमानदारी से आरक्षण की लड़ाई को लड़ने और वापस बिहार के लोगों को आरक्षण का हक दिलाने का दूसरा सबसे बुलंद नारा पटना और बिहार के तरफ से सुनाई देगा, जो दिल्ली के कान पर बार बार अटैक करेगा। और दिल्ली अपने मिजाज, अपने आरएसएस के विचार और अपनी पूरी मानसिकता के मुताबिक न तो विशेष राज्य का दर्जा देने की दिशा में आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसने 125,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को कहां दिया। लेकिन पहले तो नीतीश कुमार इसका हिसाब मांग लेते थे, वही नीतीश कुमार एक बार डीएनए भेजते हैं बिहार के वासियों के डीएनए पर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई टिप्पणी की थी तो बिहार वासियों का डीएनए भेजा था खून के सैंपल के साथ नीतीश कुमार ने पटना से दिल्ली राजनीति को बदल कर रख दिया। वह नीतीश कुमार इस बात का क्या जवाब देंगे कि दिल्ली वाले लोग नवी अनुसूची में आरक्षण को डाल रहे हैं कि नहीं। नीतीश कुमार के सामने फिर आरजेडी जेडीयू बिहार की राजनीति में सवाल होगा कि आप किस मामले में इतने कमजोर पड़ गए कि मन मुताबिक मंत्रालय न मिलने के बाद, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के बाद, आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का वायदा न मिलने के बाद, बिहार को किसी भी तरह से बहुत ही विशेष सम्मान न मिलने के बाद सामाजिक न्याय और समाजवाद की राजनीति की गुंजाइश न मिलने के बाद, वो कौन सा सृजन का बीज है जो नीतीश कुमार चुपचाप उसके अंकुरित होने का फल देकर गुलाम बन गए। क्योंकि अपने मिजाज में नीतीश कुमार वैसे नहीं है, नीतीश कुमार वैसे मुख्यमंत्री नहीं है जैसा बीजेपी के राज में कोई असम और कोई यूपी वाला बन जाया करता है। नीतीश कुमार सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। बेशक नीतीश कुमार से इस बात की शिकायत इस देश के लोग करते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का साथ क्यों देते हैं, मगर नीतीश कुमार देश की समाजवादी राजनीतिक विरासत के निकले हुए व्यक्ति हैं। वो समाजवाद का मतलब समझते हैं, वो समाजवाद का मतलब समझते हैं कि समाजवाद में सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम की राजनीति की कोई जगह नहीं है। वे समाजवाद का मतलब समझते हैं कि समाजवाद सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलता है।
वे समाजवाद का मतलब समझते हैं कि आरक्षण को छेड़खानी करके कई सामाजिक न्याय का और समाजवाद का देश नहीं बनाया जा सकता। तो बीच बीच में कितना भी पता होगा बिहार के लोगों को और पूछा जाएगा कि किसी सृजन या किसी बालिका सुधार गृह की कोई नस है या समाजवाद की नस है जो बगावती तेवर के लिए जानी जाती है। इन दोनों के बीच नीतीश कुमार खड़े होंगे, इन दोनों के बीच पटना खड़ा होगा और वह पटना दिल्ली को उचित मौके पर अपनी अनुगूंज सुनाई जरूर देगा। और इस पूरे आंदोलन को तेजस्वी यादव जैसा एक नया उभरता हुआ नेतृत्व है, भाकपा माले जैसा एक सांगठनिक नेतृत्व है, कांग्रेस और सपा, कांग्रेस आरजेडी, लेफ्ट पार्टियों का एक ऐसा अलायंस है जो जनता के मुद्दे पर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई, इसके मुद्दे पर जनता के बीच होगा। और बताया आपको 2025 में ही बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव के बीच बिहार का चुनाव सामान्य तो होता नहीं, और जब सामान्य होता नहीं तो पटना का असर दिल्ली के ऊपर तो देखने को जरूर मिलेगा। तमाम पत्रकार खेमे के बीच से कुछ आवाजें आकाशवाणी की तरह घूम रही हैं कि नीतीश कुमार अब पलटे कि तब पलटे, इसकी पृष्ठभूमि तो तैयार हो चुकी है और इस पृष्ठभूमि पर केवल इंतजार इस बात का होगा कि पलटने के बीच में कोई सृजन कितना दूर तक पलटन को रोक पाएगा या बिहार की राजनीति अब पूरे देश की राजनीति को पलट देने जा रही है। समय और तारीख कोई पर्ची बनाने वाला बाबा बता देगा, उसके यहां चले जाइएगा, हम तो केवल दिशा और दशा बता रहे हैं कि पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।